देशनी रक्षा में एक वीर शहीद गुजरात शहीद थे। देशनी रक्षा काजे शहीद थे गुजरात वीर सपूत महिपाल सिंह। महीना पहला ज थयु पत्नी श्रीमंत बाड़कन मोढ़ू पर न जो सक्या आ वीर। जम्मू काश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला में गुजरात जवान शहीद थे। 27 वर्षीय महिपाल सिंह प्रवीण सिंह वाड़ा आज कराशे अंतिम संस्कार। शहीद जवान महिपाल सिंह वाड़ा मूल सुरेन्द्रनगर जिला वतनी छे। महिपाल सिंह छेला 8 वर्ष थी सुरक्षा दल में फरज बजावता हता। देश की रक्षा में शहीद थया छे गुजरात वीर सपूत महिपाल सिंह। महीना पहला ज थयु हतु पत्नी श्रीमंत बाड़कनु मोढ़ू पण न जोई शक्या आ वीर सपूत। जम्मू काश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला में गुजरात जवान शहीद थया छे जेमनु नाम महिपत सिंह। 27 वर्षीय महिपाल सिंह प्रवीण सिंह वाड़ा आज अंतिम संस्कार कराशे। शहीद जवान महिपाल सिंह वाड़ा मूल सुरेन्द्रनगर जिला वतनी छे। महिपाल सिंह छेला 8 वर्ष थी सुरक्षा दल में फरज बजावता हता। देशनी रक्षा में शहीद थया छे गुजरात वीर सपूत महिपाल सिंह। महिपाल सिंह वीर सपूत जे गुजरात सुरेन्द्रनगर रहवासी छे। देशनी रक्षा में शहीद थया छे जेमनी पत्नी एक महीना पहला ज श्रीमंत थयु हतु। बाळकनु मोढ़ू पण न जोई शक्या आ वीर। जम्मू काश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला में आ गुजरात जवान शहीद थया छे। 27 वर्षीय महिपाल सिंह प्रवीण सिंह वाड़ा आज अंतिम संस्कार करवामां आवशे। शहीद जवान महिपाल सिंह वाड़ा मूल सुरेन्द्रनगर जिला वतनी छे। महिपाल सिंह छेला 8 वर्ष थी सुरक्षा दल में फरज बजावता हता। देशनी रक्षा में शहीद थया गुजरात वीर सपूत महिपाल सिंह। महीना पहला ज थयु हतु पत्नी श्रीमंत बाड़कनु मोढ़ू पण न जोई शक्या आ वीर। શહીદી દેશ માટે વહોરેલી છે। તેમનો જન્મ 15 ઓગસ્ટ 1996 રોજ થયો હતો। આઝાદીના દિવસે તેમનો જન્મ અવતરણ છે અને એ જ આઝાદીની મહોલ અને એ જ દિવસે એમની આવતી વારંવારની જન્મ તારીખના દિવસે ઉજવણી અને દેશના મહોલને ધ્યાને લઈ દેશ પ્રત્યેની એમની પોતાની ભાવનાઓ અતિ પ્રબળ હતી। એના કારણે એમનો 12મું ધોરણનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી પોતે તો અભ્યાસમાં અત્યંત તેજસ્વી હોવા છતાં પોતે આર્મીનું માં નોકરી જોઈન્ટ કરી છે। પરિવારને દુઃખ હોય, આ વિસ્તારના વ્યક્તિઓને દુઃખ હોય, રાજપૂત સમાજમાંથી ભાઈ એટલે રાજપૂત ભાઈઓને પણ દુઃખ હોય, આ વિસ્તારના તમામ વ્યક્તિઓને દુઃખ હોય એ સ્વાભાવિક છે, પણ એની સાથે સાથે ગૌરવની લાગણી થાય કે અમારા વિસ્તારનો અમારા માહેનો જ એક વ્યક્તિ એક જુવાન એણે માં ભારતીની સીમાઓને સુરક્ષિત રાખવા માટે થઈ પોતાના ભાઈ બહેનોની તમામ ભારતીયોની સલામતી માટે થઈ અને પોતાનું લીલું માથું અર્પણ કરી દીધું છે, માં ભારતી માટે થઈ અને શહીદી વહોરી છે।